घरेलू उपचार की इस सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बात करते हैं काली मिर्च की। कमाल की है काली मिर्च। काली मिर्च का पौधा लता के रूप में होता है। इसके फल कच्चे होने पर हरे होते हैं, जो सूखने पर काली मिर्च कहलाते हैं। यह चरपरी, शोषक और अग्निवर्धक होती है। काली मिर्च कफ वात नाशक लेकिन पित्त जनक है। यह ज्वर, जुकाम, उदर रोग, चर्म रोग आदि में लाभदायक है। इसके अलावा काली मिर्च हृदय रोग, परमेह, बवासीर, सिर के रोग और कृमि रोगों में भी अत्यंत हितकर है। आयुर्वेद के अनेक नुस्खों में इसका प्रयोग किया जाता है। काली मिर्च रसोई घर का प्रमुख मसाला है। इसके बिना अनेक व्यंजनों का स्वाद फीका पड़ जाता है। यह दादी नानी के नुस्खों में अग्रणी है। इसमें एक विशेष प्रकार की खुशबू होती है। काली मिर्च का प्रयोग प्राचीन काल से लोकप्रिय घरेलू औषधि के रूप में होता चला आ रहा है। आइए जानते हैं इसके प्रमुख औषधीय गुण। 100 ग्राम मट्ठे में 1 ग्राम काली मिर्च का चूर्ण डालकर सेवन करने से पेट के सारे कृमि मरकर बाहर आ जाते हैं। यहाँ कृमि से कीड़े का अर्थ निकलता है। काली मिर्च के चूर्ण को शुद्ध देशी घी, मक्खन या तिल के तेल में मिलाकर लगाने से दाद, खाज आदि का निवारण होता है। 4-5 काली मिर्च के चूर्ण में थोड़ी सी हींग और सत अजवाइन मिलाकर थोड़ी थोड़ी देर बाद ताजे पानी से सेवन करने पर हैजा ठीक हो जाता है। यदि मूत्र रुक रुक कर दर्द के साथ आता हो तो देशी घी में काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर शीशन का मुख ऊपर करके उस पर 2-3 बूंदे टपका दें, मूत्र खुल कर आने लगेगा। रात को सोते समय 4-5 काली मिर्च चबाकर ऊपर से गर्म दूध पीने पर कब्ज में काफी लाभ मिलता है। काली मिर्च का चूर्ण, शहद, घी और चीनी इन सब को मिलाकर चाटने से हर प्रकार की खांसी दूर हो सकती है। काली मिर्च के चूर्ण को तुलसी के रस में मिलाकर पीने से मलेरिया का बुखार नष्ट हो जाता है। गाय के ताजे दही में काली मिर्च का बारीक चूर्ण मिलाकर आंखों में लगाने से रतौंधी दूर होती है। गाय के मूत्र में काली मिर्च घिसकर आंखों में लगाने से हर समय नींद आने का रोग समाप्त हो जाता है। काली मिर्च के काढ़े से 4-5 बार कुल्ला करने पर मसूड़ों की सूजन और पीड़ा नष्ट हो जाती है। 5 काली मिर्च का चूर्ण, 1 चम्मच मक्खन, 1 तोला मिश्री को मिलाकर प्रतिदिन प्रतिकाल सेवन करके ऊपर से पाव गुनगुना दूध पी लें। शीघ्र ही मस्तिष्क की दुर्बलता दूर होकर स्मरण शक्ति तीव्र हो जाएगी। काली मिर्च का चूर्ण और देशी घी को मिलाकर चाटने तथा शरीर पर इसकी मालिश करने से पित्ती का उछलना शांत हो जाता है। 1 गिलास पानी में 1/2 चम्मच काली मिर्च का चूर्ण डालकर पकाएं। जब पानी 1/4 रह जाए तो वात ज्वर के रोगी को दिन में 2-3 बार पिलाएं, वात ज्वर से मुक्ति मिल जाएगी। काली मिर्च 10 और काशी फल के 20 सूखे बीज दोनों को जल के साथ मिलाकर पीस लें। फिर उसे देशी घी में मिलाकर रात को सर पे लगा लें और सुबह सर धो लें। सर की रूसी और जुएं से छुटकारा मिल जाएगा। 1/2 तोला काली मिर्च के चूर्ण को 1/2 किलो पानी में उबालें। जब पानी 125 ग्राम रह जाए तो उसमें 30 ग्राम शहद मिलाकर दिन में 1 बार पी। 3-4 दिनों में पेट और गले की जलन दूर हो जाएगी। काली मिर्च का चूर्ण, मिश्री और शुद्ध घी का संभाग मिलाकर रख लें। 3-3 ग्राम यह चटनी सुबह शाम चाटने से फेफड़ों की ऐठन दूर हो जाती है। काली मिर्च तथा काला जीरा को जल में पीस कर गर्म करके कर्णमूल शोध पर लेप करें। फिर ऊपर से पीपल का ताजा हरा पत्ता बांध, रोग का निवारण हो जाएगा। 5-6 काली मिर्च का चूर्ण शहद के साथ चाटने से जुकाम दूर हो जाता है। कीजिए इन उपायों को और रहिए स्वस्थ और निरोग। धन्यवाद।